हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय, घरेलू उपाय बताने वाली हूं जो आपको आपके हस्बैंड को बतानी है और विद इन अ 5 डेज के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाना है। दोस्तों, होता यह है कि कई बार महिलाओं में दोष नहीं होता है, आपके पार्टनर के अंदर जो शुक्राणु पाए जाते हैं जिसे स्पर्म कहते हैं, उसमें कई बार गुणवत्ता में कमी आती है या कई बार उसका स्पीड अच्छा नहीं होता है। अगर इन सारे फैक्टर की वजह से आप माँ नहीं बन पा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड को इस समय सचेत होने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें प्रायोरिटी से आपको उन्हें देना है। आप चाहें तो उन्हें डेली भी दे सकती हैं और चाहें तो एक एक दिन छोड़ करके भी दे सकती हैं। कुछ ऐसे पावरफुल चीज़ जो नेचुरल सोर्सेस से आती हैं और जिससे कि आपके पार्टनर की ताकत बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली स्पर्म से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है। देखिए, होता ये है कि स्पर्म अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो उसकी मोर्टैलिटी यानी गति अच्छी होती है और महिला के एक के पास जाकर उसे फर्टिलाइज्ड वो बहुत जल्दी कर पाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात का ध्यान रखिए कि आपको नट्स देना आपके पार्टनर को बहुत जरूरी है। जितने भी सूखे मेवे होते हैं उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स होते हैं। इसी के साथ साथ मखाने, अगर प्रायोरिटी बेस से आप स्नैक्स के टाइम पे खाते हैं तो मखानों के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके स्पर्म की बहुत ही अच्छी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से गुड क्वालिटी अमाउंट ऑफ स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव होने में आसानी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एबीसी जूस। एबीसी जूस का मतलब होता है कि आपको बीट, कैरेट और एप्पल का जूस आपके हस्बैंड को मिक्स करके सेम क्वांटिटी में और ग्राइंडर में पीस कर उसे छान कर प्रतिदिन देना है। अगर आप ये जूस अपने हस्बैंड को पिलाती हैं तो इसके अंदर इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके पार्टनर के स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, बेहतर करता है। कई बार जो क्वांटिटी होती है वो भी कम होती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ता है आपके पार्टनर का, वैसे वैसे तो बढ़ती एज में भी ये एबीसी जूस पीने से बहुत फायदा होता है मेल पार्टनर को। इसके साथ ही शिलाजीत और अश्वगंधा आपने जरूर सुना होगा। अश्वगंधा के सेवन से या शिलाजीत के सेवन से भी कई बार पावर मिलता है स्पर्म्स को और कई बार जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शनैलिटी होती है, कई बार जो है अच्छा नहीं लगता है, ज़बरदस्ती उनका मन नहीं है, फिर भी आप रिलेशन के लिए तैयार हैं और इस कंडीशन में जो है सब कुछ अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ये मूड को भी बेहतर बनाता है और साथ ही साथ एक तरह का पावर भी जनरेट करता है, साथ ही हॉर्मोन्स को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये आपके फर्टिलिटी को, इवन मेल फर्टिलिटी के रेशियो को काफ़ी कम करने में मदद करती है। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको इन प्रोडक्ट्स को खरीदते समय इस बात की जानकारी जरूर लेनी है कि ये प्रोडक्ट्स जो है इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। इसके साथ ही मक्का रूट के कैप्सूल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मक्का रूट के कैप्सूल्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं और पावरफुल होते हैं मेल पार्टनर की इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए। मक्का रूट के टैबलेट्स आप चाहें तो पानी के साथ भी ले सकते हैं या दूध के साथ भी पर डे 1 ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको केसरिकल च्यवनप्राश भी फ़ायदा पहुँचा सकता है। ठंड का, विंटर का समय स्टार्ट हो चुका है, केसरिकल च्यवनप्राश मार्केट में बहुत ही अच्छे से आपको अवेलेबल होता है। किसी भी च्यवनप्राश को लेते समय उसके मेकिंग प्रोसेस को ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगर उसमें अश्वगंधा और इन सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट शामिल है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप कोशिश करिए कि ऐसी ही कंपनी की आप च्यवनप्राश भी परचेस करें और उसे प्रतिदिन रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ आप ले सकते हैं। इसके साथ ही खाने की चीज़ों में आपको उड़द की दाल अधिक से अधिक लेनी चाहिए, आपको कीवी का सेवन करना चाहिए, आपको एवोकाडो का सेवन करना चाहिए और साथ ही साथ जो सात्विक भोजन आपके घर पे बना सकते हैं वही आपके लिए दी बेस्ट होगा। बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़, मैदे के प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या फिर जंक फूड आपको नहीं लेना है। इवन चाइनीज़ फूड को भी अवॉइड ही करना है। इन सारी चीज़ों को लेते वक्त या फिर प्रेगनेंसी ट्राई करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप जितना हो सके बैड हैबिट से दूर रहें, यानी कि स्मोकिंग
और अल्कोहल आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही कुछ ज़रूरी सुझाव ये भी हैं कि आपकी जो टेस्टिस होती हैं, जो अंडकोश जिसे कहा जाता है, जहाँ पे जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इस एरिया को आपको ओवरहीट नहीं करना है। और ओवरहीट जनरली ये बहुत टाइट अंडरवेयर पहनने की वजह से हो जाता है, या काफ़ी देर तक आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऑफिस वर्क करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे आप घूमते फिरते भी रहें, और साथ ही साथ जो अंडरवेयर यूज़ करते हैं वो कॉटन मटेरियल का होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसमें हवा भी जाए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके टेस्टिस को सही टेम्परेचर में रखता है और जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके साथ ही स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। आपकी कोई भी गुड हैबिट्स हैं तो उसे अपनाकर और स्ट्रेस फ्री रहने से आपके हॉर्मोन्स रेगुलर रहेंगे। ये सारे होम रेमेडीज आप पे वर्क करेंगे और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने में मदद मिलेगी। इवन काफ़ी सारे कपल एडवांस ट्रीटमेंट की ओर भी मूव कर चुके हैं, तो एडवांस ट्रीटमेंट लेते वक्त भी आप इन सारे नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि ये सारे ही टिप्स यदि आप अपने हस्बैंड को फॉलो कराती हैं तो आप विद इन अ 1 मंथ के अंदर भी आपको बहुत जल्दी से गुड न्यूज़ मिल सकती है। और काफ़ी सारे हैप्पी कपल ने इसी तरह से नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव भी की है। ये सारे ही टिप्स मैं ऐसे आपको शेयर कर रही हूँ जो कई बार डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तो आई रियली होप ये सारे टिप आपके लिए काफ़ी हेल्प करें आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव कराने में। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, इस वीडियो से लेती हूँ इजाज़त, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने सुझाव नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकती हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर सकती हैं। तो फिर अपना पूरा ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।